मोस्ट ऑफ लोग इंक्लूडिंग मेरी बहन जो इस वक्त कैमरे के पीछे बैठी है ये समझती है कि दुनिया में कॉफी पीने की कोई अपर लिमिट नहीं हो सकती। आप चाय जितनी कॉफी पी सकते हैं और उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन मैं डॉक्टर विशाल तोमर आपको बताऊंगा इस चैनल पे कि कॉफी पीने की अपर लिमिट क्या होती है एंड कितनी कॉफी पीने के बाद आपके शरीर में आपको नुकसान होने लगेगा, आपको सिम्टम्स आने लग सकते हैं। तो देखते रहिए ये चैनल एंड लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ मच कॉफी इज टू मच कॉफी। सबसे पहले मैं बात आपको ये क्लियर कर दूं कि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं ना सिर्फ कॉफ़ी की बट चाय की भी। चाय और कॉफ़ी दोनों का जो कॉमन इंग्रेडिएंट है वो है कैफीन। अगर आप टपरी पे चाय पी रहे हैं या आप स्टारबक्स में कोई कॉफ़ी पी रहे हैं, एसेंशियली आप कैफीन कंज्यूम कर रहे हैं किसी ना किसी फॉर्म में। एंड कैफीन इज़ द वर्ल्ड मोस्ट कॉमनली कंज्यूम्ड स्टिमुलेंट मेडिकेशन। अगर आप उसको एक मेडिसिन की तरह देखेंगे, बेसिकली इट इज़ कैफीन विच इज़ शोइंग इट्स इफेक्ट ऑन योर बॉडी। तो जो आपको इफेक्ट आते हैं, जो आपको चाय या कॉफ़ी पीने के बाद फ्रेश लगता है अचानक से एंड आप बहुत देर तक जग पाते हैं, आप एनर्जेटिक फील करते हैं, दिस इज़ ऑल इफेक्ट्स ऑफ कैफीन ऑन योर ब्रेन एंड इट्स वेरियस रिसेप्टर्स एंड स्टिमुलस। मेन डिफरेंस चाय और कॉफ़ी में ये होता है कि चाय में कैफीन के साथ और भी कई सारे केमिकल्स होते हैं जिनके अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, जैसे थियोफाइलिन, एंड कॉफ़ी में ये कुछ जो केमिकल्स हैं वो नहीं होते हैं। बट आज हम सिर्फ फोकस करेंगे कैफीन के इनटेक। तो कितनी कैफीन अगर आप एक बार में लेंगे या एक दिन में लेंगे तो वो हार्मफुल हो सकती है। तो साइंटिफिक स्टडीज़ में ऐसा बताया गया है कि कैफीन अगर आप 300 मिलीग्राम अगर एक बार में लेंगे या आप पूरे दिन में 400 मिलीग्राम से ज़्यादा कैफीन कंज्यूम करेंगे तो वो आपके बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। अब आप पूछेंगे कि 300 मिलीग्राम या 400 मिलीग्राम कॉफ़ी कौन गिनता है, चाय या कॉफ़ी कौन गिन के पीता है, और कितने चाय या कॉफ़ी में 3 या 400 मिलीग्राम आपको कैफीन मिलेगी, कैसे पता चलेगा। तो मैं आपको बता दूं कि एक एवरेज चाय का कप या एक एवरेज कॉफ़ी का जो कप होता है उसमें 94 मिलीग्राम ऑफ कैफीन होती है। अब एवरेज चाय या कॉफ़ी का कप कौन सा होता है, सबके घर में अलग अलग साइज़ के होते हैं, बट साइंटिफिकली जो एवरेज वन कप जिसको कहते हैं दैट इज़ 236 ml ऑफ चाय या 236 ml ऑफ कॉफ़ी विच इज़ 8 ounce अप्रॉक्सीमेटली। तो जब साइंटिफिक पेपर्स में बात की जाती है कॉफ़ी के इफेक्ट की और जब उसको कप्स में गिना जाता है तो उन्होंने वो उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया है एंड दैट स्टैंडर्ड मेजर ऑफ वन कप इज़ 8 ounce और रफली 236 ml ऑफ चाय। मैं एक और चीज़ जो आपको बताना चाहूँगा कि एक बार आप जो कॉफ़ी पीते हैं उसका इफेक्ट ऑन एन एवरेज आपकी बॉडी में 4 से 5 घंटे तक चलता है। अलग अलग टाइप के लोग होते हैं, कुछ लोग कॉफ़ी को बहुत फटाफट रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका इफेक्ट जो है वो एक ही घंटे में ख़त्म हो जाता है। कुछ लोग होते हैं जो कि स्लो रिस्पॉन्ड करते हैं, उनका इफेक्ट 9 से 10 घंटे भी चलता है। तो आप एक बार अगर आपने कॉफ़ी का एक कप या कंज्यूम किया है तो आपको कम से कम 5 घंटे वेट करना चाहिए अपने अगले कप की तरफ मुड़ने के पहले। तो नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीने से आपके बॉडी पे क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, आपको कौन कौन सी चीज़ों का नुकसान हो सकता है। तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ एंग्जाइटी। एंग्जाइटी जो कॉफ़ी का जो इफेक्ट है जिससे कि आप जगते रहते हो, आप अलर्ट फील करते हो, आप एनर्जेटिक फील करते हो, अगर आप इस इफेक्ट की वजह से ज़्यादा कॉफ़ी पीने लगे तो धीरे धीरे ये जो इफेक्ट है ये साइड इफेक्ट में बदल जाता है एंड दैट इज़ वॉट वी कॉल एज एंग्जाइटी। वन ऑफ द इफेक्ट्स ऑफ एंग्जाइटी इज़ कि आप हमेशा रेस्टलेस रहते हैं, आपके बॉडी में बहुत सारे ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं जिसके कि कारण आपका ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन गड़बड़ा जाता है, आपके बॉडी का मेटाबॉलिज्म ख़राब हो जाता है, एट द सेम टाइम आपकी बॉडी की इम्यूनिटी में भी फ़र्क पड़ता है। एंड नॉट ओनली दैट, आपकी जो स्लीप साइकिल्स हैं, जो आपके सोने की उठने की जो साइकिल्स हैं या जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है उस पर भी इसका इफेक्ट होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये एंग्जाइटी से रिलेटेड है और अगर आप बहुत दिनों तक ज़्यादा कॉफ़ी पियेंगे या बहुत टाइम तक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कॉफ़ी पियेंगे तो आपको एंग्जाइटी हो सकती है। द नेक्स्ट थिंग इज़ एसिडिटी या मेडिकल टर्म्स में जिसको कहा जाता है GERD, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। तो ऐसा कुछ स्टडीज में पाया गया है कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं तो जो स्फिंक्टर यानी कि जो मसल्स होती हैं जो आपके स्टमक को बंद रखती हैं,
जिसकी की वजह से जो एसिड है वो बॉडी वो स्टमक के अंदर दबा हुआ रहता है वो मसल्स लूज हो जाती हैं। तो जैसे ही वो लूज़ हो जाती हैं जो एसिड है वो वापस से निकल के आपके फूड पाइप या आपके ईसोफेगस में आ जाता है और उसी के कारण आपको हार्ट बर्न यानी कि एसिडिटी के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो अगर आप ऐसे कोई व्यक्ति हैं जो कि बहुत ज़रूरत से ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे हैं और आपको एसिडिटी हो रही है तो आप तुरंत ही समझ सकते हैं कि आपके कॉफ़ी को कट डाउन करने से आपकी एसिडिटी के सिम्टम्स भी ठीक हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी। जब आप अपनी बॉडी में कैफीन को बहुत टाइम तक बार बार अपने स्टिमुलेंट के रूप में आप अपने बॉडी में इसको इंट्रोड्यूस करते रहते हैं तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी बॉडी खुद के स्टिमुलेंट सिक्रीट करना कम कर देती है एंड यू बिकम डिपेंडेंट ऑन एक्सटर्नल सोर्स ऑफ कैफीन फॉर स्टेइंग अलर्ट एंड कैरिंग आउट योर डेली एक्टिविटीज। दिस इज कॉल्ड डिपेंडेंसी। एंड जब आप ज़्यादा समय तक कॉफ़ी ले रहे होते हैं तो आपको इसकी डिपेंडेंसी हो जाती है। अगर आपको अचानक से कॉफ़ी ना मिले तो हो सकता है कि आपको लेथार्जिक फील हो, आपका मूड अच्छा ना हो एंड आप इरिटेबल हो जाए। सो ऑल दीज थिंग्स आर अननेसेसरी एंड अवॉइडेबल सिचुएशंस, अवॉइडेबल प्रॉब्लम्स जो कि सिर्फ कॉफ़ी को या चाय को एक रेगुलेटेड अमाउंट में पीने से हो सकती है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो नाउ यू नो कि कितनी ज़्यादा आपको कॉफ़ी पीनी है और हो सकता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा चाय या कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो और मैंने जो बताई उनमें से कुछ सिम्टम्स या कुछ बीमारियों से जूझ रहे हो और अब आप होपफुली उनसे बच जाओगे और अब आपको ये सब तकलीफें नहीं होंगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लिव हेल्दी, लिव स्मार्ट।